सो हेलो गाइज, वेलकम टू द ब्रांड न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आ गया है तुम्हारा भाई एक और वीडियो लेके तुम लोगों के लिए, जिसमें तुम लोगों को पता लगेगा भाई के रैंडम्स और अपनी खुद की टीम के साथ खेलने में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और अपनी टीम को एक परफेक्ट टीम को बिल्ड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो भाई इस वीडियो में तुम्हारा भाई आज तुम लोगों को बताने वाला है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना भाई, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ भाई लोग, तुम अपने आप में ये चीज़ सोचो, क्या ऐसा होता है कि जब तुम गेम खेलते हो और तुम मर जाते हो तो तुम्हारी स्क्वाड के बीच में ये बातें होती हैं कि नहीं, अगर तू वहाँ से ये कर लेता तो शायद हम बच जाते, अगर तू वहाँ से ये कर लेता तो भाई हम वो स्क्वाड वाइप कर सकते थे, हम नहीं मरते। अगर ऐसी चीज़ तुम लोगों के स्क्वाड में होती है तो तुम लोग बहुत क्लियर कट समझ जाओ कि तुम्हारी स्क्वाड परफेक्ट नहीं है भाई लोग, और इसी के बिहाफ पे तुम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। और क्या फ़र्क होता है एक परफेक्ट स्क्वाड में और एक अनमेच्योर्ड स्क्वाड में? तो देखो यार, एक परफेक्ट स्क्वाड में एक आईजीएल होता है जिसकी सब बात सुन रहे होते हैं, वही अनमेच्योर्ड स्क्वाड में होता है ये है कि भाई सबके सब आईजीएल होते हैं और कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा होता है। तो एक परफेक्ट स्क्वाड बनाने के लिए भाई लोग तुम लोग क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज़, कुछ रोल्स बनाओ जो कि तुम अपने टीममेट्स को दे सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोगों को देता हूँ कि मेरी स्क्वाड में क्या होता है। भाई मेरी स्क्वाड में एक बंदा आईजीएल है, दो असॉल्टर्स हैं, एक स्नाइपर है, और उन दो सॉल्टर में से एक बैकअप का भी काम करता है। तो ये चीज़ें तुम लोग अपनी स्क्वाड में कैसे कर सकते हो, तो मैं एक एक रोल के हिसाब से तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहला रोल आईजेल। तो देखो यार, आईजेल का क्या काम होता है? आईजेल का एक सबसे बेस्ट काम ये होता है कि वो तुम्हें जोन में मूव करवाता है। उसकी ही ये जिम्मेदारी होती है कि वो कब कहां से कैसे मूव करके तुम्हें लास्ट जोन तक लेके जाएगा, ये आईजीएल ही डिसाइड करता है। और एक ऐसे बंदे को ढूंढो जिसको हर एक मैप के बारे में हर एक छोटी सी छोटी जानकारी हो, कौन सी रिज कहाँ पे है, कौन से कंपार्टमेंट कहाँ पे हैं, कहाँ पे मूव करना चाहिए, कहाँ पे नहीं मूव करना चाहिए। सपोज दैट, मान लो अगर जोन श्रिंक हो रहा है और किस डायरेक्शन से प्लेन पाथ गया था, बंदे कहाँ से कहाँ मूव कर सकते हैं, इस चीज़ का अगर बेटर आइडिया लगाने वाला बंदा तुम लोगों को मिल जाता है तो उससे ज़्यादा बेस्ट आईजीएल तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। क्योंकि आईजीएल का ये काम होता है भाई कि तुम्हें एक बेटर पोजीशन प्रोवाइड करके देगा जहाँ से तुम आराम से किल निकाल सको। नाउ सेकेंड रोल आता है भाई लोग असॉल्टर का। तो देखो यार, ऐसे दो बंदों को तलाश करना स्टार्ट कर दो जो मारने में बिल्कुल जल्लाद हो एंड जिनकी शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और मिड रेंज भी बिल्कुल परफेक्ट हो। तो देखो यार, एक असॉल्टर का तुम लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है? देखो असॉल्टर जो होता है ना, वो होता ही मारने के लिए भाई, उसका काम पूरे मैप में कुछ नहीं होता है सिवाय मारने के। तो यार ऐसे दो बंदों को ढूंढो जो मारने में बिल्कुल जल्लाद हो, अगर तुम लोगों पर रश भी आता है तो भाई एटलीस्ट दो से तीन बंदों को एक ही बंदा गिरा दे। ऐसा असॉल्टर अगर तुम लोगों के पास है ना भाई, तो मैप में तुम लोग तबाही मचा दोगे। एंड थर्ड रोल जो आता है वो आता है स्नाइपर का। तो देखो यार, ये एक मिथ भी है, लोगों को लगता है कि अगर हम एक स्नाइपर रखेंगे तो भाई हमें असॉल्टर का नुकसान होगा, पर नहीं यार, स्नाइपर का एक अलग ही बेनिफिट होता है। देखो जब लॉन्ग रेंज फाइट की बात आती है ना, और सपोज दैट मान लो तुम 150 मीटर पर फाइट कर रहे हो और इन दैट केस तुम्हारे पास एक स्नाइपर है, तो तुम क्या कर सकते हो कि एक अपने स्नाइपर से नॉक निकलवा करके भाई तुम इस पर ईजिली रश कर सकते हो, जिसमें तुम्हें बेनिफिट ये होगा कि सामने वाले बंदे 2B और 4 हो जाएगा, क्योंकि एक बंदा नॉक होगा और दूसरा उसको रिवाइव देने में लगा होगा, और जब तुम जाके उन पर रश करोगे तो भाई ईजिली उस स्क्वाड को वाइप कर सकते हो और लॉन्ग रेंज में भाई स्नाइपर तुम्हें किल्स निकाल के देगा। नाउ टॉक अबाउट योर फोर्थ मेंबर। तो देखो यार, तुम्हारा चौथा बंदा क्या काम करेगा? चौथा बंदा तुम्हारा बैकअप का काम कैसे कर सकता है? मान लो तुम्हारे पास जो दो असॉल्टर्स हैं, उसमें से जो थोड़ा सा वीक असॉल्टर है भाई, उसको कैसे यूज़ में तुम ले सकते हो? सपोज दैट मान लो तुम्हारा एक बंदा नॉक हो गया है और तुम्हें उस टाइम पे उस बंदे को उठाने की ज़रूरत है, तो तुम्हारा जो एक मेन असॉल्टर है वो भाई तुम्हें कवर दे सकता है। एंड जो तुम्हारा स्नाइपर है, अब ऑब्वियस है यार कि एक स्नाइपर तो एक असॉल्टर तो रखेगा ही रखेगा, तो उस असॉल्ट को वो यूज़ करके तुम्हें बैकअप दे सकते हैं, और तुम्हारा जो तीसरा बंदा है, तीसरा बंदा तुम्हारे बंदे को उठा लेगा जो कि तुम्हारा बैकअप में काम आएगा। अब ये चार बंदे अगर तुम लोगों को मिल जाते हैं भाई, तो तुम्हारी एक परफेक्ट स्क्वाड तुम लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। एंड तुम्हें करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके भाई, मैच इन चार बंदों के साथ ही खेलना है, आपस में खेलना है, जिससे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बिल्ड होगा।
सेकेंडली तुम्हारी साइनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एंड परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली तुम्हारी बूस्टअप हो जाएगी भाई, तुम्हारी केडी भी मेंटेन होने लगेगी, तुम्हारा एवरेज डैमेज भी बन जाएगा। पर एक चीज़ का बहुत अच्छे से याद रखना कि जो तुम्हारे टीममेट का तुमने काम दिया है वो काम सिर्फ वही करेगा और उस पर तुम्हें बिल्कुल अंधा ट्रस्ट करना बनता है। जब तुम अंधा ट्रस्ट उन लोगों पे करोगे भाई तो ऑब्वियस है कि वो अपना काम उसी जिम्मेदारी के साथ करेंगे और उनको पता होगा कि मेरा काम क्या है। तो ऐसे पर बंदे के हिसाब से अपना अपना काम डिवाइड हो जाएगा और स्क्वाड तुम्हारा बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। एंड इसके बाद तुम कर ये सकते हो कि भाई लोग तुम कस्टम भी खेल सकते हो। कस्टम खेलने के बाद अपने गेम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे। एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स आते हैं यार, पबजी भी कराती है और लोकल भी ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनको खेल करके तुम भाई अच्छे से अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। तो यार देखो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप में खुद एक चीज़ सोचो कि आप पबजी कब से खेल रहे हो और कितना टाइम पबजी को देते हो, पर यार अभी तक कुछ उससे तुम्हें मिला नहीं मिला ना। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो भाई ये जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं भाई इसको इम्प्लीमेंट करो अपने ऊपर और एक अच्छी सी स्क्वाड बना के भाई कम्पिटिटिव जाओ। कम्पिटिटिव जाने के बाद जब तुम उसको जीतोगे ना तो लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक अलग ही सेटिस्फेक्शन तुम लोगों को मिलेगी। तुम लोगों को खुद में ये चीज़ फील होने लगेगी कि भाई हाँ इतने दिन जो हमने मेहनत की वो बेकार थी, पर अब जो हमने एक स्क्वाड के साथ मेहनत की है उसका एक परफेक्ट रिजल्ट तुम लोगों को मिलेगा और भाई एक अलग ही सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिलेगा और गेम खेलने में तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी साथ में दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिल जाए। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।